क्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर कोरोना संक्रमण के चलते मार्च महीने से बंद पड़ी सांध्यकालीन महाआरती 7 महीने बाद नवरात्रि के पहले दिन फिर से शुरू हो गई। भव्य तरीके से होने वाली इस महाआरती में दूर दूर से श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कोरोना के चलते मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए महाआरती का प्रारंभ किया गया और भजनों के साथ धीरे धीरे धार्मिक और तीर्थ स्थलों को भी खोला जा रहा है और जारी हिदायतों की पालना के साथ श्रद्धालुओं को भी धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ की अनुमति दी गई। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धुमन सिंह किरमच ने देर सायं पुरुषोत्तमपुरा बाग में आरती स्थल पर ब्रह्म सरोवर की महाआरती कार्यक्रम में भाग लिया। कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धुमन सिंह किरमच ने देर सायं पुरुषोत्तमपुरा बाग में आरती स्थल पर ब्रह्म सरोवर की महाआरती कार्यक्रम में भाग लिया। बोर्ड के वाइस चेयरमैन धुमन सिंह और ब्रह्म सरोवर के पंडित बलराम शर्मा ने कहा कि आरती के पुनः प्रारंभ का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी सर, क्या कहेंगे आज सबसे पहले तो ब्रह्म सरोवर की आरती का शुभारंभ किया गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का सपना था कि हम कुरुक्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विश्व के मानचित्र पर लेकर जाएं और उसके निमित्त कुरुक्षेत्र में बहुत से ऐसे कार्य हुए जिनमें से एक महाआरती ब्रह्म सरोवर पर आरंभ की गई, जिसमें पंडित बलराम गौतम जी का बड़ा योगदान रहा है। और यह आरती इसीलिए शुरू की थी कि जितने दूर दूर से लोग, पूरे देश से जो लोग आते हैं, उनको यहाँ पर एक ऐसा सत्कार योग्य मिले जिसको लगे कि उनकी कुछ मन की शांति हुई है। तो जब से आरती शुरू हुई है, आरती ने बहुत बड़ा विहंगम रूप एक तरह से ब्रह्म सरोवर पर लिया है और माननीय मुख्यमंत्री की जिस तरह से सोच थी उस तरह से यह आरती आज भी चल रही है। कोविड की वजह से आरती को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, 7 महीने के करीब, लेकिन अब आज से ये विधिवत रूप से हम पंडित जी और मदन मोहन छाबड़ा जी जो KDB के हमारे CEO हैं यहाँ पर, इनसे मिलकर आज ये आरती को शुरू किया गया है, ताकि बहुत से लोगों की, श्रद्धालुओं की बड़ी शिकायत भी रहती थी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आरती को शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा वो आनंद लेंगे। आरती तो ब्रह्म सरोवर पे सतत चल ही रही थी, लेकिन ये कोरोना काल में मार्च में आरती बंद हुई थी। 7 महीने के बाद, आज पूरे 7 महीने के बाद दोबारा से प्रारंभ हुई है और आज बहुत अच्छा पर्व है। नवरात्र का पहला नवरात्र है और अग्रसेन जयंती है, तो बहुत अच्छा पर्व है। इस पे आज दोबारा आरती शुरू हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशानुसार। 15 से शुरू होनी थी लेकिन हमने 17 से करना उचित समझा और बड़ी भव्य आरती होती है, बनारस की तरह, हरिद्वार की तरह, लेकिन यहाँ की आरती बड़ी उनसे भी भव्य है, हमारा तो यही कहना है। कोरोना काल में लोग पूछते थे आरती, कोरोना काल में तो लोग बड़े तड़फ रहे थे आरती के लिए, पूछते थे, फोन आते थे कि कब शुरू होगी, तो उसके डर की वजह से आरती शुरू नहीं हुई। तो अब धीरे धीरे लोगों के मन से, दिमाग से कोरोना का डर समाप्त हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते अपनाते हुए और हैंड सैनिटाइज करते हुए, मास्क लगाते हुए आरती आज हमने प्रारंभ की है। सांध्यकालीन महाआरती कार्यक्रम से ब्रह्म सरोवर की फिजा फिर से भक्तिमय हो गई। शंखनाद और वाद्य यंत्रों से निकली धुनों ने पूरे वातावरण को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। लोगों ने नवरात्र के शुभ अवसर पर ब्रह्म सरोवर की महाआरती और पूजा अर्चना की तथा कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, पंजाब केसरी TV।